सब लोग वेलकम टू एन अदर व्लॉग। जी हाँ, तो फिर आ चुके हैं राणा रिजॉर्ट में और अब यहाँ पे सारा दिन स्पेंड करेंगे और फिर बाकी सारे दिन के अपडेट साथ साथ आपको देंगे। और जो लोग नए मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, मैंने चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। बस इतना ही करना है और क्या करना है। तो साथ रहो फिर रहेंगे। बेचारों को एक बहुत सख्त पेंडेमिक के बाद इनकी आउटिंग दोबारा शुरू हो चुकी है। एनी हाउ, आज का दिन देखते हैं कैसे गुजरता है। मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है, मुझे तो बच्चों को देख देख के अपने कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की याद आ रही, क्योंकि मैं अपने स्कूल की वो स्टूडेंट थी जो कि कभी भी कोई ट्रिप का मिस नहीं करती थी। तो बस देखते हैं और दिखाते हैं, और शायद आपको शोर की आवाज़ें आ रही हो तो आपको दिखाती हूँ। बैक टू स्कूल, जो लोग स्कूल को, लाइफ को जिन्होंने बहुत इंजॉय किया वो अपनी स्कूल लाइफ में दोबारा चले जाएंगे आज एक बार फिर से। इधर और यहाँ पीने के लिए साफ पानी दिखते हैं। अच्छा, जो बात है और कुछ हो ना हो, यहाँ पर आपकी कैलरीज बहुत रिलीज होती है क्योंकि आप बहुत चलते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग एक शाही सवारी में बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं उसके लिए। जब आपको जंगल घूमना होता है तो ये देखते हैं। दो लोग भी और वैसे भी बोटिंग हो सकती है यहाँ पे, मशीन बोट भी है तो वो भी आपको बोट करवा सकते हैं। हर चीज़ की चार्ज है यहाँ पे। अभी जो हम लोग बैठे थे तांगे पे, वो 150 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया एक फैमिली का, फिर वो पूरे जंगल की सैर करवाते हैं। वो उछलेगा तो नहीं ना हाँ पकड़िए, ये तब चलते हैं। अच्छा, मैंने जिस घोड़े पे झूला लिया वो 50 पर हेड में था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो ना मुझे काफी नॉटी लग रहा था, मैंने कहा इतना नॉटी लग रहा है, तो कहते हाँ ये शादी नाचने वाला घोड़ा है, इसलिए दौटी आ गए, अगर तो इसका नाच निकल जाता तो मेरा क्या बनता कालिया। तो जंगल जंगल लाइब्रेरी पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ना बच्चों ने SOPs वगैरह फॉलो नहीं की हुई, जो कि बुरी बात है। बच्चों को SOPs फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक
हमारी मैक्सिमम आबादी वैक्सीनेटेड नहीं है, और अगर वैक्सीनेटेड हो भी जाए तो मुझे लगता है तब भी आपको अपना और अपनों का ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो इस जगह की ना वाइब कुछ और है, मतलब बेशक शोर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जंगल काफ़ी कुछ कवर कर रहा है। तो अगर अभी तक आप लोग राणा रिसॉर्ट नहीं आए हो तो जल्दी से आओ और इन्जॉय करो। वाइब बहुत डिफरेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बस हाथ बात हुए हैं और वेट कर रही हूँ रोटी वगैरह का, जैसे ही रोटी का हो जाता है उसका, फिर कहते हैं हम लोगों ने रोटी की ऑर्डर कर दी है क्योंकि हमारी हम सामान साथ में लेकर आए थे, तो इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम लोग यहाँ से सारे लेते, तो बस हमने एक अपनी जगह ढूंढ ली, वहाँ बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। फिर बस अभी रेस्टोरेंट में है, इन्वायरमेंट काफ़ी कूल है, और बाकी मैंने 6 रोटियों का ऑर्डर दे दिया है, और बस अब जैसे रोटी आती है तो जाते हैं, क्योंकि खाना हम घर से लेकर आए थे तो इसलिए हमें यहाँ से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बस रोटी का वेट है, रोटी आती है तो फिर खाते हैं, लेते हैं और चलते हैं, फिर बैठ के खाते हैं। तो अभी मैं हूँ हेड बल्लो की, और इस वजह से आप देख रहे हो हर तरफ पानी पानी पानी, ज़बरदस्त इतना गहरा है बस पानी, तो मतलब बस पाऊँ डूबे में, और ये इतना सुकून दे है ना, इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती, वेरी 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 ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सो फार। और कुछ अनएक्सपेक्टेड डेज जो होते हैं लाइफ में वो इतने अच्छे होते हैं कि बस, तो बस इसके बाद अब हम घर जाएंगे। वैसे आज का दिन काफ़ी फुल रहा, अभी बस शाम हो चुकी है और अब हम लोग घर जाएंगे, तो काफ़ी इंजॉय किया हमने, काफ़ी 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 इंजॉय किया। वैसे भी अब थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, क्योंकि अब वैसे भी सनसेट जल्दी हो।